बालों का तेरे में हर क्लिप हो गया, चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा, हर देखते ही दिल ये स्लिप हो गया। ओ मर गए यार दीवाने, हो तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने। ओ मर गए यार दीवाने, हो तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने। तेरी शर्ट रामता बटन सोनिए, बालों का तेरे में हर क्लिप हो गया। और लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत हिलता हूँ, मैं नहीं हिलता, मेरी खुद हिलती है। पर आई होप आपका दिन अच्छा गुजरा होगा, और आते आते देखा थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है भाई। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, और कहते हैं ना मौसम का भी सलाम, और कैसा लग रहा है आपको मौसम और कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और आज का मौसम वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश नहीं हुई है, बड़ा अफसोस था। और क्या गाना लगवाया था सर्किट जी ने, क्या बात है, गाने रोमांटिक हो रहे हैं आप बारिश को देख के। मौसम में तो होता ही है ना, मौसम जब चेंज होता है तो फिर दिल भी चेंज होता है, रोमांटिक हो जाता है, चीजें बड़ी होती आती हैं। खैर आज का टॉपिक आपको बताते चलें, प्रोग्राम शुरुआत हो चुकी है, प्रोग्राम की योर ओल्ड फेवरेट प्रोग्राम, वी विल प्ले योर फेवरेट ट्रैक्स, यू कैन कॉल अस इन। टॉपिक हमारा आज का बड़ा चुन चांग के डायरेक्टर साहब ने कहा, यार ये मेरे साथ बहुत हुआ है, ठीक है, मैंने भी दूसरे लोगों के साथ भी करते हैं। नहीं हाँ, असल में इसलिए उन्होंने यही बताया, हमें दूसरों का कह रहे हैं, खुद करते हैं, खुद करते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा एक आजकल मिस कॉल फीबिया जो चल गया, मिस कॉल लोग क्यों मारते हैं खामा खामे, व्हाई ये मिस कॉल क्यों मारते हैं लोग खामा खामे, ठीक है ना, कोई जब देखो तंग करते हैं मिस कॉल मार मार के, ठीक है, और जब कोई कॉल दोबारा कॉल बैक करता है तो आगे से फिर जो है तफरी लेना शुरू हो जाते हैं, भाई क्यों कॉल की है। हाँ। तो आपने मिस कॉल आईडी कहता, मेरी आईडी तू भी करेगा। ऐसे से क्या सोल्यूशन, क्या है, क्या करना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसके बदले में क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं या उसको रिप्लाई करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है सर किसी का, अगर आप रिप्लाई कर देना तो फिर और वो तंग करते हैं। बिल्कुल, और इग्नोर कर दें वो जान बूझ के, ये तो तरीका होता है। मैंने खान साहब से पूछा, खान साहब थे मोबाइल पे लगे हुए, मार खान साहब क्या कर रहे, क्या करते हैं आप, यार मिस कॉल मारते हैं, कोई और काम ही नहीं, खान साहब ने कहा मिस कॉल मारते हैं, बस कॉल मारते हैं, फिर जिसका कॉल आ जाए आ जाए, किस्मत है हमारा, क्या बात है। मगर बहुत बुरा लगता है इसलिए कि मिस कॉलें मारते हैं, जैसे हमेशा हमारे डायरेक्टर साहब हम लोगों को मार रहे होते हैं तो हम तो रिसीव ही नहीं करते मिस कॉल भी, हम मीन दोबारा रिप्लाई नहीं करते। मुझे मिस कॉल मारना ऐसा लगता है थप्पड़ मार रहा है। चले अगर कोई आपका बंदा कर रहा है जो आपके पास सेव है, कोई जाने वाला कर रहा है, चले समझ में आता है, चले फिर उसका भी रिप्लाई कर देते, लेकिन जो अननोन नंबर से आती ना उसका तो रिप्लाई करे ही नहीं, क्योंकि वो फिर अगर आपने रिस्पॉन्स दिया तो वो फिर और तंग करता है और पता चल जाए भाई ये रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जो मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, एक तो सहूलत भी हुई, दूसरी तरफ से जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गया, अजाब भी बन गया लोगों के लिए। कहते हैं ना कि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव थिंग्स तो इंपैक्ट, दोनों इंपैक्ट हैं इसका, पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और नेगेटिव इंपैक्ट भी है। कुछ लोग मिस कॉल इसलिए कभी दे देते हैं कि शायद उनका बैलेंस नहीं होता, तो मिस कॉल दे दी ताकि अगला बंदा कॉल कर ले, ठीक है, ये भी बहुत जगहों पे होता है, मैंने काफी देखा है जगहों पे ये भी हुआ है। और पैकेजेस जो ऑन होते हैं उसमें ये होता है कि किसी और के मोबाइल में पैकेज ऑन है तो मिस कॉल दे देते, तो वो दोबारा, ये पैकेजेस का सिस्टम बड़ा आगे कि भाई अगर आपके पास पैकेज है, मैंने आपको मिस कॉल दी, आपने भी कॉल कर ली, तो ये भी एक चीज है, कहते हैं सहूलत भी है तो कुछ कहीं कहीं प्रॉब्लम हमारे यहाँ लोगों ने ये भी है ना मजाक बना दिया, ठीक है, अब ये जरा 10-20 रुपए का इजी लोड करवाते हैं, उसके बाद फिर मिस कॉल भी चलता है इजी लोड, सारा खत्म ही नहीं हो। पहले नहीं आना चाहिए था ना भाई, मुझे इतनी आती हैं मिस कॉलें, जब कॉल करो आगे से पता नहीं कौन निकलेगा, कौन क्या करेगा मिस कॉल, भाई क्यों करते हैं आप, पास बहुत बैलेंस है जो आप रिप्लाई करते हैं ना, क्या करें, मैं क्या करूं, मैं तो कहता हूं पता नहीं कोई मुश्किल में हो, कोई अपना मुद्दा हो, फॉर द सेफ्टी पर्पस, जी जी, बट आगे से कुछ और ही निकलता है, आगे से परेशान हो जाते हैं आप, आगे से जो निकलता है जी, आगे जो निकलता है उसे बताऊं, समझ गए समझ गए। यू कैन आल्सो डिस्कस अबाउट इट, कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया हो मिस कॉल्स आपको जो है, खैर वी हैव गॉट अ कॉलर विद अस, लेट्स सी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम मुशरा, क्या हाल है आपके? शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक गॉड आपने मिस कॉल नहीं मारी, आज फोन किया आपने। और अस्सलाम वालेकुम बिल्लो सिंह जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप बुशी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप दोनों कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं गायब कहाँ थी आप इतने दिनों से? मैं गायब कहाँ थी भाई, साफ सी बात है, नहीं बुशरा मुझे जवाब दिया, मुझे जवाब देने, देखिए ईद के बाद जो सीजन स्टार्ट होता है शादियों का, वो ना खत्म होने वाला सीजन है। बिल्कुल, तो कहाँ थी बुशरा, किसी ना किसी शादी में होगी, खाना
जी मेरे कजन की शादी थी, उसमें बिजी थी, जब मैं उससे फ्री हुई मैं कॉल कर रही थी एक दिन 11 बजे, पता चला टाइम चेंज हो गया। टाइम चेंज हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोगों ने आपको पहचान लिया, आप शादी में ही। अब आप ये करें कि अब आप शादी में दुल्हन को रुख्सत करके बारात चली जाए, फिर भी जब आएंगी तो हम टीवी पे बैठे होंगे। हाँ, ये प्लस पॉइंट। हाँ, अब टाइम बहुत जबरदस्त हो गया, अपना आधे घंटे का बिल्कुल। आप शादी हॉल ही बंद करवा के आ जाए फिर भी हम यही होंगे। नो प्रॉब्लम, मैं कहता हूँ दुल्हन को आप उसके घर तक छोड़ के भी आए, ससुराल तक और रिश्तेदारों को भी उनके घरों तक छोड़ के, फिर भी हम यही होंगे। नहीं होंगे फिर क्या? नहीं, डेढ़ बजे तक इतना टाइम तो नहीं होगा। हमारी नाइट शिफ्ट कर दी गई है। हेलो, हाँ जी, रात के सिक्योरिटी गार्ड बन गए हम। अरे रुख्सती क्या वलीमा तक हो गया, मैं बिल्कुल फारिग हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। फिर अब आप फारिग है तो हमको शादी ढूंढ के देते हैं आपको। भाई शादी बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, जा यार, मैं मुझसे पूछ रहे चाय पियेंगे? हाँ पियूंगा भाई, बनाओ चाय। जी बुशरा जी, हेलो। आपके साथ कभी हुआ ये लोग खाम खाम में मिस कॉल मार के क्यों तंग करते हैं? मिस कॉल्स ये जब हुआ तो अभी भी आपसे मैंने देखा, उस वक्त होता है जब किसी के पास नया नया मोबाइल आता है। हाँ वो यही कहता है, नया नया मोबाइल आया कुछ तो करूँ उसके साथ में। मिस कॉल तो वो बिल्कुल नया नया यूज कर रहा होता है, उसके बाद फिर वो मैसेज से कॉल पर लग जाता है, बिजी हो जाता है बंदा। हाँ फिर वो शुक्र है, फिर पहले मिस कॉल मारता है, फिर उसे कोई बताता है भाई पैकेज करा ले। ठीक है पैकेज करवा ले। तो मैं मिस कॉल देती हूँ, ना ही मुझे कोई देता है। क्या बात। हाँ अच्छा है। क्या बात, सिलेक्टेड नंबर होगा ना, किसी को दिया भी नहीं होगा। हाँ नंबर कौन सा, चाइना का नंबर है आपका, कौन सा सिलेक्टिव नंबर होगा? नहीं मींस कि किसी को दिया नहीं होगा, फ्रेंड्स वगैरह को ज्यादा नहीं। साथ साथ मिस कॉल के साथ साथ अजीब और गरीब किस्म के मैसेजेस आ रहे होते हैं, फॉरवर्ड मैसेजेस। यार सुबह सुबह बंदा सोने से सोने भी लगे, उठे जब देखो मैसेजेस बचते हैं, देखे जी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कभी किस जबान में शायरी लिखी हुई है, कभी क्या लिखा हुआ है, कभी शेख रशीद साहब पे जुमले कस रहे हैं, कभी रहमान मलिक साहब पे। जी 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 जी, बुशरा बोले। मैंने आज दुबई में थोड़ा सा कल वाला शो देखा था, आप दोनों जो वाइफ की टी शर्ट में आई थी, बहुत जबरदस्त लग रही थी दोनों। थैंक यू। तो बिल्कुल वो छटे एक दिन बहुत अच्छी लग रही थी, काफी दिनों बाद आज दिन में देखा था। जी नहीं, हमारे पास वो छटे हैं, हम कल से पहन सकते हैं। जी हाँ, वो ये शर्ट जो है वाइफ की तरफ से हमें मिली है, तीन तीन सबको। हमें कहा कि पुरानी शर्टें पहन पहन के डेली आते, ये पहनो। और कुछ कहना चाहेंगी बुशी, कोई सॉन्ग? हाँ सॉन्ग, एक बजे के बाद प्लीज बलोची सॉन्ग पे ना सर्किट भाई आपने डांस किया। बस शादियां कर के भी आ गई, इतना एंजॉय भी किया, फिर भी दिल नहीं भरा यहाँ भी शादी का आइटम नंबर देखा। कल जो है, कल हमारा कल्चर डे है, कल करेंगे ना? नहीं चलना, खैर है, थोड़ा बहुत मैं आपके लिए आपकी आपकी नजर में करूंगा। जी हेलो, मैं इतने दिनों बाद रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज एक बजे। कह रहे हैं वो कर रही है, मैं करूंगा, कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, मैं तैयार हो जाऊँ भाई मेकअप। एक बजे के बाद करना है, मैं लाइट आ जाती हूँ। एक बजे के बाद ही करिए, बस यार लिख ले, बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बजे के बाद मैं अपना जो है आइटम नंबर पेश करूंगा। मेहमान साहब भी रेडी है देखने के लिए। एक गिर के मोहल्ले वालों को बुला लें, आप अपने नेबर्स को भी बुला लें, सबको बुला लें। टिकट लगा दें। हाँ थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल, और टिकट 20 रुपए से ऊपर रखिएगा, क्योंकि इतना स्पेशल डांस कोई सस्ता डांस नहीं। नहीं नहीं नहीं, 100 नहीं, 500 रुपए चिंकी जी, क्या हो गया आप लोगों, कंजूस हो गया? नहीं नहीं, 500 दे देंगे। सबसे 30-30 रुपए का इजी लोड दे ले, लोड बैलेंस ले ले आप। हाँ बैलेंस पे चल रहा है मिस कॉल पे, तो आप बैलेंस डलवा दें सर की जी मोबाइल। काफी दफा ये भी हुआ कि किसी ने किसी के 500 रुपए देने थे, ठीक है 500 बॉक्स, यू समबडी हैज रिटर्न सामान, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा यार 500 रुपए नहीं, मैं ऐसा करता हूँ 500 वाले कार्ड आपको लोड करवा देता हूँ। आजकल इन टर्म्स ऑफ ये लोग दूसरे तरीकों से भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। और ये बता रहा हूँ मिस कॉल के साथ साथ जो मैसेजेस हैं बहुत, हाँ वो परेशान करते थे, पता नहीं जिंदगी में ऐसे लगता है लोगों के यार, कभी मोबाइल साइलेंट पे ना हो, खुला हो तो बचता है, ठीक है फिर देखो तो पता नहीं। अच्छा उसके साथ जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो भी खुद ही इतने मैसेजेस भेज रहे हैं, उनके दिन में तकरीबन 8-10 तो उन्हीं के मैसेजेस आ जाते हैं पूरे एक दिन में। और इतना बुरा लगता है कि ये जब आपकी कोई भी मोबाइल फोन की कंपनी या कोई भी जो सिम की कंपनी आपको मैसेज कर रही हो, वो भी सुबह सुबह, इन्हें इमरजेंसी के लिए कॉल फोन ऑन रखा हुआ है कि किसी की भी कॉल आ सकती है। 5 बजे मैसेज करना ही करो कि आप खुश मुबारक हो, 200 रुपए आपके बैलेंस निकल आया, कर भी क्या पैकेज का ऑफर है। जी तो क्या ख्याल है, अभी चलें एक सॉन्ग की तरफ? बिल्कुल, एक नहीं दो सॉन्ग्स, दो बिल्कुल डबल धमाल, डबल 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 सॉन्ग्स, डबल धमाल इन लवली कैरेक्टर। एंड फर्स्ट ट्रैक इज गोइंग टू बी बाय एक्सेंट किंग ऑफ डिस्को, उसके साथ साथ शर्ट द बटन बाय क्या सुपर कूल है हम फ्रॉम दिस मूवी। लेट्स गो फॉर दिस सॉन्ग्स एंड वी कमिंग बैक। बटन सोनी है
बालों का तेरे में हर क्लिप हो गया। वापस आ गए हैं जी ऐसे लवली साउंड्स के बाद, और ये पंजाबी जो तड़का मारा है ना अब आएगा मजा जी। आहो एनी दी की गल्ला ने, वाह एनी जड़ी आई है इधर जो मिक्स कर रही है, एंड द सिंगर शादी भी हो गई उनकी। आरएनबी कैसा आपको कैसा फील हो रहा है शादी हो? उसकी शादी हो गई है हाँ। परे दफा करो फिर अब पूछिए बहनी अच्छी नहीं है? अच्छा नहीं नहीं एनी कौन है एनी अच्छा टॉपिक क्या कर रहे हैं इसका? क्यों देते हैं मिस कॉल? देखिए क्यों लोगों को परेशान करते हैं कि अक्सर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कोई किसी जगह है वो। अब आपने मिस कॉल की, मिस कॉल दी नहीं है मुझे, पता नहीं क्यों लगता है कि मजा तो आता होगा। इधर देखे नहीं मिस कॉल दी नहीं, मिस कॉल देने में उन्होंने सेंचुरी की है, कह रही है मिस कॉल नहीं सच्ची में आपकी गलती नहीं दूंगी। वो अपनी तरफ से आप कॉल करती हैं, देती है ना ये मिस कॉल, मुझे भी इतनी मिस कॉल देती हैं ना करे इनका काम मिस, सुबह उठो मिस कॉल, शाम को मिस कॉल, इतनी मिस कॉल दी आप कॉल ही मिस हो गई है ना, इतनी मिस कॉल देती है। हाँ वाकई मैं तो सोच रही थी नंबर ब्लॉक करा दूं आपका, सोच ले। हाँ इतनी मिस कॉल सोच ले। हाँ जी कोई तुसी भी कॉल या यू द गाइस कॉल अस एंड तुसी भी कॉल करो, एंड फ्रॉम पंजाब एवरीवेयर चैनल्स ऑन एंड वी टॉकिंग अबाउट लिविंग थिक बिल्कुल जल्दी से कॉल कर बताएं, इसलिए हमारे पास सिर्फ जो है सिर्फ एक घंटा बचा है और ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप जल्दी कॉल करके बता दें इसलिए इससे पहले कि आप मिस कर जाएं हमें। हाँ हो आप शो मिस कर जाएंगे इससे पहले शो मिस हो जाए। आपने कॉल कर रहे हैं गल कर रहे थे बारे व्हाई दिस इज बैड वेरी बैड हैबिट कॉलिंग समवन ऑन मिस कॉलिंग व्हाई एंड सेंडिंग दीज अक्सर उन लोगों को भी मिस कॉल दी जाती है कि पता है अगर मैंने इनको एक मिस कॉल दी तो पलट के फोन से कॉल आ जानी है, तो बैलेंस क्यों नहीं है? कुछ लोगों ने तो उसको वो बना लिया ना है जी, पहली मिस कॉल दूं समझना हाय, दूसरी मिस कॉल दूं समझना क्या हाल है, ठीक है, तीसरी तीन मिस कॉल अगर साथ दू करना फटे मुंह चल। अच्छा पीपल हैव मेड मिस कॉल मी मिस कॉल में इतना